हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम की, जिसे आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा या आपको शायद पता भी नहीं होगा। तो चलिए, वो कौन सी सेटिंग है और कौन सी वो टिप्स है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ने एक अपडेट दे दिया है कि अब आप किसी भी वीडियो को अपने किसी भी गैलरी प्लेटफॉर्म के अंदर चला सकते हो। यानी किसी भी अमक्स प्लेयर हो या प्ले इट हो या कुछ भी, अगर आप जो जिसके अंदर आप वीडियो चलाते हो उसके अंदर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम के वीडियो को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं ये वीडियो ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जिस अकाउंट के अंदर तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर देख सकते हो थ्री डॉट है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टर मेन्यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू मीडिया पर क्लिक करना है और आप जिस प्लेटफॉर्म के अंदर अपना वीडियो को ओपन करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं प्ले इट वीडियो पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका जो इंस्टाग्राम से डायरेक्ट वीडियो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट ये वीडियो यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप इस वीडियो को आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर डायरेक्ट आप किसी भी वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर चला सकते हो, वो भी विदाउट डाउनलोड किए। बस यही थी आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।